मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विधानसभा चुनाव के ठाणे कोपरी पांच पखाड़ी से एकनाथ शिंदे की शाख दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि इनके सामने कांग्रेस के घाड़ी गांवकर संजय पांडुरंग और एमएनएस के महेश परशुराम कदम थे। रास्ता बड़ा ही कठिन था, मगर इसके बावजूद कोपरी पांच पखाड़ी से एकनाथ शिंदे ने जीत हासिल की है। एकनाथ शिंदे को 1,13,497 वोट मिले हैं। कांग्रेस के संजय पांडुरंग को 24,197 वोट मिले हैं। एमएनएस के महेश परशुराम कदम को 21,513 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे तीन बार इस विधानसभा से 2004 और 2009 2014 में चुनकर आए थे और अब ये चौथी बार चुनकर आए हैं। क्या कुछ कहा है एकनाथ शिंदे ने, सुनिए। मतदारांनो, मी या ठिकाणी जाहीर त्यांचे आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी दाखवलेलं प्रेम या ठिकाणी या निवडणुकीच्या निकालामधून स्पष्ट झालेलं आहे। खरं म्हणजे कोपरी पाचपाखाडी वागळी शेड भागातील मतदार जे आहेत, हे मतदार आणि आमदार म्हणून माझं एवढ्यापुरतं नातं त्यांच्याशी नाही आहे, कारण राजकारणाच्या पलीकडे एक कौटुंबिक नातं निर्माण झालेलं आहे या मतदारसंघातल्या मतदारांच्या बरोबर। कारण सगळे आम्ही एक दुसऱ्याच्या सुखदुःखामध्ये नेहमी धावून जात असतो आणि गेल्या अनेक वर्षामध्ये या भागामध्ये केलेली कामं असतील, सोडवलेले प्रश्न असतील, त्याची पोचपावती आणि प्रेम या निकालामधून मतदारांनी दाखवून दिलेले, त्यामुळे मी त्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो। जीतने के बाद एकनाथ शिंदे ने खुशी जाहिर करते हुए मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और चौथी बार इनके भाग्य का फैसला कोपरी पांच पखाड़ी से हुआ और विजयी हासिल हुए हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।